बुधवार को गोपालगंज जिले के थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश हथियार लहराते हुए भागने में सफल हो गए। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद थाने के बेदूटोला गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अधिवक्ता के गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने अधिवक्ता की स्थिति को चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अधिवक्ता के शरीर में 4 गोलियां लगी। वहीं जख्मी अधिवक्ता के बारे में बताया जाता है, अधिवक्ता नवीन कुमार उचका गांव थाना क्षेत्र के रनसड़ी गांव के रहने वाले, जो सुबह अपने घर से न्यायालय के लिए जाने के लिए बाइक से निकले थे। जैसे ही वह थाने के बेदूटोला गांव पहुंचे, घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधी ने उनके शरीर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि अधिवक्ता को किस कारण बदमाशों ने गोली मारी। वारदात की खबर मिलने के बाद गोपालगंज SP मनोज तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए कई थानों के पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान छापेमारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो आशीष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनका नाम कृष्णा जी है, ग्राम जमसरी के ढोकट हैं। गोपाल में उनका प्रैक्टिस है। वो घर से चले प्रैक्टिस के लिए बेदू टोला थाने के पास, उनको अपराधियों द्वारा 6 गोली मारा गए। जैसे सूचना मिली हम लोग चले, लेकिन सबसे बड़ी बात है विनम्रता है इस राज्य का, जहां सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है और उसी राज्य में मुख्य सड़क पर गली खुची भी नहीं है, मुख्य सड़क पर दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा गोली से भून दिया जाता है और किसी प्रकार की सुशासन का कोई आता पता नहीं है, प्रशासन का कोई आता पता नहीं है। यह तो हालात है यहाँ। अपराधी कैसे थे? बाइक से थे। कितनी गोलियां लगी हैं? कितने की संख्या में थे लोग, कुछ बताया पाए हैं? अपराधी की संख्या तो हम लोग नहीं बता पाए हैं। पहले से कोई अब वहाँ घटना पर जाने पर पहले मालूम हो उनका कोई विवाद किसी से? कोई विवाद तो मेरे जानने में कोई खास कहीं नहीं, अंदरूनी कोई हो सकता है अलग बात है, लेकिन मेरे जानने में हम लोग को जानने में कोई विवाद नहीं। शांति प्रिय परिवार है, किसी से बड़ विवाद नहीं है उनका, लेकिन अगर अंदरूनी कोई हो सकता है इसके लिए मैं पूरा कह नहीं सकता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मदेव सिंह कुशवाहा हुआ, मैं उसी गाँव का मेरा भतीजा है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।